देखिए इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है श्रीनगर से, वो बताएं आपको। श्रीनगर में डल झील में एक शिकारा हादसे का शिकार हो गया है। जी हां, बीजेपी की रैली के दौरान एक वीडियो जर्नलिस्ट से भरी नाव का अचानक बैलेंस बिगड़ा और वो पलट गई। इस हादसे में 3 वीडियो जर्नलिस्ट झील में गिर गए, जिन्हें बाद में रेस्क्यू कर लिया गया है। लेकिन तस्वीरें देखिए, शिकारा जिसको हाउस बोट भी कहते हैं, वो देखिए कैसे यहां पर जब बीजेपी की एक रैली चल रही थी उस दौरान डल झील में डूब गया, अचानक पलट गया। इस शिकारे पर वीडियो जर्नलिस्ट सवार थे, 3 वीडियो जर्नलिस्ट डूबे, उनको तुरंत रेस्क्यू कर लिया गया। तस्वीरें उस वक्त की जब यह हादसा हुआ, झील में गिरे बीजेपी की रैली के कवर करते पत्रकारों को तुरंत रेस्क्यू कर लिया गया। तो डल झील में कैसे एक शिकारा हादसे का शिकार हुआ वो आप तस्वीरों में देख सकते हैं। ये एक रैली चल रही थी बीजेपी की, जहां पर उसको कवर करने के लिए कुछ वीडियो जर्नलिस्ट, कुछ पत्रकार, कैमरामैन बैठे हुए थे इस शिकारे पर, और अचानक इस शिकारे का, इस बोट का बैलेंस बिगड़ गया और ये डल झील में ये पत्रकार गिर पड़े। फिर इनको रेस्क्यू किया गया। उस वक्त की तस्वीरें, जब अफरा तफरी मच गई, जब वहां पर तुरंत लोगों को रेस्क्यू किया जाने लगा, उस वक्त की तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये श्रीनगर से तस्वीरें आ रही हैं, डल झील, जो कि एक बहुत बड़ा टूरिस्ट स्पॉट है श्रीनगर का। देश भर से, बल्कि देश के बाहर से लोग वहां पर आते हैं डल झील को देखने, डल झील में शिकारे की सवारी करने। और वहां पर आप देख सकते हैं बीजेपी की एक रैली के दौरान कैसे एक बड़ा हादसा होते होते बच गया। तो कश्मीर में आप देख सकते हैं जो सियासत की लड़ाई है वो जमीन से लेकर पानी तक लड़ी जा रही है, और वहां पर देखिए कैसे उसी पानी में कुछ पत्रकार गिरे, क्योंकि वो रैली को कवर कर रहे थे, लेकिन उनको तुरंत जो वहां पर जो लाइफ सेविंग गार्ड्स थे उनकी मुस्तैदी से बचा लिया गया। या और कौन था इसमें शामिल, अब ये जानकारी लेते हैं। इरफान हमारे साथ हैं। इरफान, तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, वाकई एक बड़ा हादसा होते होते बचा डल झील में, जानकारी दीजिए ये कैसे हुआ। देखिए बिल्कुल गौरव, ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं और दिखा रहे हैं ये TV9 के पास एक्सक्लूसिव है, क्योंकि मैं बिल्कुल इसी नाव की बगल में वॉक थ्रो कर रहा था जब ये हादसा हुआ। असल में वहां पर भाजपा कार्यकर्ताओं की रैली में काफी संख्या में वर्कर्स पहुंचे थे और नेता भी मौजूद थे, शाहनवाज हुसैन खुद मौजूद थे, अनुराग ठाकुर थे और कई नेता थे। तो कहीं ना कहीं मीडिया बाइट्स के दौरान वहां पर भीड़ बहुत ज्यादा इकट्ठा हुई। उसके बाद शाहनवाज हुसैन ने कहा कि हम पहले रैली कर लेते हैं और उसके बाद दोबारा आके बात कर लेते हैं। उसी में जब मीडिया पर्सन कुछ वहां पर नाव में बैठना शुरू हुए तो नाव का जो बैलेंस है वो बिगड़ गया और वो एकदम से उलटकर जो है पानी में गिर गए, और कहीं ना कहीं तुरंत वहां पर जो रेस्क्यू टीम था डिजास्टर मैनेजमेंट का, वो तुरंत वहां पर आकर उन्हें वहां से सेफली निकाला। लेकिन कहीं ना कहीं इस पूरे रैली पर आज पूरे देश की नजर थी, उसके चलते इंतजाम वहां पर किए गए थे, पुलिस प्रशासन के लोग वहां पर मौजूद थे। हमारे दर्शकों को इरफान, एक जानकारी और दीजिए हमारे दर्शकों। देखिए मैं तो आया हूं आपके साथ ही, डल झील भी मैंने देखी है, मैं घुमा हूं वहां पर। ये बताइए हमारे दर्शकों को, डल झील इतनी अहम क्यों है श्रीनगर के लिए? और ये भी बताइए कि श्रीनगर में अगर वहां बीजेपी के नेता जा रहे हैं तो बजाय और जमीन के वो पानी में डल झील में क्यों कर रहे रैली? बहुत बहुत महत्वपूर्ण सवाल गौरव आपने किया। हाँ, आप जिस तरह हमने शाहनवाज हुसैन से पूछा भी, आज डल झील से ये संदेश देने की कोशिश की गई कि कश्मीर में अमन है, सब ठीक ठाक है और यहाँ के लोग अमन चाहते हैं, शांति चाहते हैं। और शाहनवाज हुसैन ने खुद कहा कि यहाँ पर डल झील में तिरंगा लहराना कहीं ना कहीं उन तमाम ताकतों, तमाम लोगों को यह संदेश है कि यहाँ पर लोग जो है तिरंगा लहराने के लिए तैयार है, और उसी के चलते भाजपा ने यहाँ पर आज शिकारा रैली का आयोजन किया। अभी वो सही सलामत है? बिल्कुल गौरव, उन्हें निकाला गया, हालांकि उनके जो इक्विपमेंट्स थे वो डैमेज हो गए, पानी में गिर गए और उनको, लेकिन तुरंत निकाला गया, वो ठीक ठाक है, अभी सेफली उनको निकाला गया है। लेकिन कुछ वक्त तक वहां पर एक पैनिक जरूर क्रिएट हुआ, क्योंकि मीडिया बहुत ज़्यादा थी और नेताओं को कवर करना चाहते थे, एक बहुत अहम रैली थी भाजपा की, उसके चलते वहां पर तादाद बहुत लोगों की थी, उसके चलते हड़बड़ कुछ देर के लिए रहा, लेकिन उसके बाद शाहनवाज हुसैन और जो वहां पर बाकी लोग थे, अनुराग ठाकुर, वो वहां से निकल गए और फिलहाल स्थिति वहां पर काबू में है और वहां पर तमाम लोगों को निकाल दिया गया। ठीक है इरफान, बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों को पहुंचाने के लिए। एक बार फिर से तस्वीरें दिखा देते हैं, ये तस्वीरें देखिए, और ये बताता है कि कैसे अगर
जरा सी भी लापरवाही हो तो जान पर बनाती है, उसका ये सबूत है तस्वीरें। कुछ वीडियो जर्नलिस्ट बीजेपी की रैली करने के लिए जा रहे थे डल झील में, ये रैली हो रही थी और उस दौरान वो कैपेसिटी से ज़्यादा उस बोट पे सवार हो गए शिकारे पर, और उसके बाद वो शिकारा पलट गया। और अच्छी बात तो ये है, राहत की बात ये है कि जो रेस्क्यू टीम थी वो बिल्कुल मुस्तैद थी, तुरंत इन जर्नलिस्ट को, वीडियो जर्नलिस्ट को बचाया गया, फिलहाल सभी सही सलामत हैं। और ये तस्वीरें आप देखिए उसी वक्त की, और ये एक्सक्लूसिव है टीवी 9 भारतवर्ष के पास, क्योंकि हमारे संवाददाता इरफान बता ही रहे थे अभी आपको कि वो वहीं पर मौजूद थे, वो वहां से आपके लिए रिपोर्ट कर रहे थे, अपने कैमरे में कैद कर रहे थे, तभी ये हादसा हो गया और ये तस्वीरें उनके कैमरे में कैद हो गई। ये तस्वीरें श्रीनगर की अब से कुछ देर पहले की डल झील की हैं, जहाँ पर बीजेपी के तमाम बड़े नेता, अनुराग ठाकुर केंद्रीय मंत्री हैं, शहनवाज हुसैन बड़े नेता हैं बीजेपी के, वो वहाँ पर पहुँचे थे और डल झील में एक रैली कर रहे थे, वहाँ पर तिरंगा लहरा रहे थे और ये संदेश देने की कोशिश कर रहे थे कि श्रीनगर में अमन चैन बिल्कुल कायम है। और उसी दौरान जब ये सब कुछ हो रहा था ये हादसा हुआ, लेकिन गनीमत है कि कोई बड़ा हादसा होने से बच गया। दो तस्वीरें आप देख सकते हैं, दो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, एक बीजेपी की शिकारा रैली की, जिस रैली की बात अभी हम आपको बता रहे थे, देख सकते हैं आप अनुराग ठाकुर और शहनवाज हुसैन, दो आपको बड़े नेता इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। और एक दूसरी तस्वीर जब ये रैली कवर करने के दौरान कुछ पत्रकारों की नाव पलटी, और लेकिन गनीमत है कि उनको बचा लिया गया और कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। ये दो तस्वीरें डल झील का, श्रीनगर की हर उस चीज़ में बहुत अहमियत है जो वहाँ का आम कश्मीरी जो वहाँ रहता है, क्योंकि डल झील श्रीनगर की नहीं कश्मीर की आप आत्मा कह सकते हैं, वहाँ पर बहुत बड़ी इकॉनमी इससे जुड़ी हुई है, बड़े बड़े बाजार डल झील पर चलते हैं, कई बड़े बड़े हाउस बोट वहाँ पर होते हैं। मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ इरफान, डल झील इकॉनमी की भी रीढ़ है श्रीनगर की, और श्रीनगर क्या है कश्मीर की भी आत्मा है, और वो इसीलिए बीजेपी ने रैली ऑर्गेनाइज की जो हमें दिख रहा है वहाँ पर। और ये जो तस्वीरें दिख रही हैं ये कहीं ना कहीं शुक्र है भगवान का, ऊपर वाले का, जो आज एक बड़ा हादसा होते होते बचा। बिल्कुल गौरव, मैं पहले कह दूं डल झील श्रीनगर का दिल माना जाता है और जो भी पर्यटक यहां आता है पहले डल झील का रुख करता है और शिकारा की सवारी के बगैर कोई यहां से जाना नहीं चाहता, और उसी के चलते आज भाजपा ने भी यहां ही शिकारा रैली की और संदेश डल झील से ही देने की कोशिश की कि कश्मीर में अमन चाहते हैं लोग और शांति बरकरार है। और जब यह हादसा हुआ वहाँ पर पहले ही लगातार कोशिश कर रहे थे भाजपा के जो ऑर्गेनाइजर्स थे या प्रशासन के लोग थे कि यहाँ पर भीड़ ज़्यादा ना हो, लेकिन मीडिया कवर करना चाहता था, लगातार बैक टू बैक इन तमाम बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से बातचीत हो रही थी मीडिया की, उसके चलते जब दोबारा वो शिकारा में बैठे शाहनवाज हुसैन, अनुराग ठाकुर और बाकी नेता, तो मीडिया उनको फॉलो करना चाहती थी। और जब कुछ वीडियो जर्नलिस्ट इस नाव में बैठे उसमें पहले ही बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता भी बैठे हुए थे, तो उसमें जो बैलेंस था वेट की वजह से बिगड़ गया और वो नाव जो है उलट गई, उसके बाद जो है कोशिश की गई उनको सेफली बाहर निकाला जाए। गौरव।